सारा खेल पैसों का है, सारा खेल किस्मत का है, सारा खेल सोच का है। गैज, इस प्रकार के छोटे छोटे वाक्यों को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर की यूज किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। अच्छा, चलिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा इट्स ऑल अबाउट, इसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। सारा खेल पैसों का है, इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट मनी। सारा खेल खुशी की है, इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस, इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस। सारा खेल विज्ञान की है, इट्स ऑल अबाउट साइंस, इट्स ऑल अबाउट साइंस। सारा खेल सोच का है, इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट, इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। सारा खेल किस्मत का है, इट्स ऑल अबाउट लॉक, इट्स ऑल अबाउट लॉक। सारा खेल परिश्रम का है, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। सारा खेल नफरत का है, इट्स ऑल अबाउट हेट, इट्स ऑल अबाउट हेट। सारा खेल प्रकृति की है, इट्स ऑल अबाउट नेचर, इट्स ऑल अबाउट नेचर। सारा खेल मोबाइल की है, इट्स ऑल अबाउट मोबाइल, इट्स ऑल अबाउट मोबाइल। सारा खेल ताकत का है, इट्स ऑल अबाउट पावर, इट्स ऑल अबाउट पावर।